कानपुर के शताब्दी नगर में केडीए की योजनाओं में पानी न आने की वजह जब तलाशनी शुरू की गई तो जल निगम ने भ्रष्टाचार का फव्वारा फोड़ दिया। घटिया पाइप 5 जगह से फट गए। इनकी मरम्मत बुधवार शाम तक कराई गई। इसके बाद लो प्रेशर से पानी की टंकी भरना शुरू किया गया। इस वजह से 8वें दिन भी करीब 18,000 लोगों को पानी का संकट के सामना करना पड़ा। इसमें करीब 1 करोड़ की लागत आई, लेकिन इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। इस बीच 8 दिन पहले दूसरे ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई। इससे तीनों योजनाओं में रहने वाले करीब 18,000 लोगों को पानी संकट होने लगा। पानी संकट की वजह से 25 से ज्यादा परिवार फ्लैट में ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए। तीसरे ट्यूबवेल में 8 अप्रैल को विद्युत कनेक्शन कराकर चालू किया गया, पर टेस्टिंग में ही निर्माण इकाई के भ्रष्टाचार की पोल खुलती चली गई। शत्रुघ्न वैश्य सचिव केडीए ने कहा कि घटिया पाइप 5 जगह से फट गई है। शताब्दी नगर में पानी की किल्लत और तीसरा ट्यूबवेल जल्द चालू न होने के कारण केडीए के अभियंताओं को नोटिस दिया गया है। मुख्य रूप से यह दिक्कत जल निगम की वजह से हुई, इसलिए जल निगम को भी नोटिस देने के निर्देश दिए गए।